स्पोर्ट्स एंड लाइफस्टाइल। सो आज का व्लॉग हमारा एक बार और इंटीरियर का व्लॉग होने वाला है। तो आज मैं हूँ हमारे एक और क्लाइंट के घर पे, जिनका हमने इंटीरियर कुछ रोहित 3 साल पहले किया था। हाँ, 3 साल पहले किया था। बट अगर आप आज भी उनका घर देखेंगे तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से रखा है। सो वी थॉट कि वाई नॉट मेक दिस व्लॉग ऑल्सो। तो हमने सोचा कि इनके भी घर का व्लॉग कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं कि जिनका घर है और उन्होंने घर कितना अच्छा रखा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। दिस इज द ब्यूटीफुल टीवी यूनिट। यू कैन सी कितना अच्छी तरीके से इन्होंने सजा के रखा है। डिजाइन हम लोगों ने किया है, सब कुछ हम लोगों ने किया था, पर अभी जो लोगों सजाया और जैसे आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द पर्सन हु इज स्टेइंग हियर। So you can see यहाँ पे हमने पीछे एक बहुत बड़ा सा पैनल लगाया है फॉर द टीवी, जिससे एक अलग ही लुक आता है इस पैनल से। With that we have given 2 drawers, okay, for some storage। और यहाँ पे हम लोगों ने आर्टिफैक्ट्स के लिए एक अलग सा स्पेस दिया है। जैसे यहाँ पे अलग से स्पॉटलाइट्स वगैरह भी हैं और इससे एक अलग ही लुक आता है। And you can see यहाँ पे पीछे इस पैनल के पीछे यहाँ पे एलईडी लगाई हुई है। सो अगर आप ओवरऑल इसका लुक देखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। सो आप ऊपर भी देख सकते हैं, दूर से देखोगे तो आपको ये ऐसा लगेगा कि वुडन पैनल लगाया है, बट बेसिकली दिस इज अ पीओपी, मतलब फॉल सीलिंग ही है पीओपी वाला, ओके। बट उसको जो इफेक्ट दिया है वो वुडन इफेक्ट दिया है, ओके। और यहाँ पे ऊपर भी हम लोगों ने 3 स्पॉटलाइट डाले हैं, उसकी वजह से भी इस टीवी यूनिट का लुक थोड़ा अलग से आता है। टीवी यूनिट के आप ऑपोजिट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे वी हैव अ ग्रे सोफा और उसके पीछे यहाँ पे ग्रे एक्सेंट वॉल है। सो ग्रे इज द प्रोमिनेंट कलर ऑफ दिस टीवी यूनिट। और उसके साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे आपको 4 फ्रेम्स हैं यहाँ पे, ओके। देयर इज अ ब्यूटीफुल लैम्प है। ये सारे प्रोडक्ट्स जहाँ से खरीदे हैं उसके डिस्क्रिप्शन या जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन पता है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूँ, ओके। एंड देन यू कैन सी अ ब्यूटीफुल मल्टी कलर कार्पेट है, जिससे इस लिविंग रूम का इफेक्ट बहुत ही अलग आता है। एंड देन दिस इज द 4th वॉल ऑफ दिस लिविंग रूम। जहाँ आप देख रहे हैं, ये आपको शायद लग रहा होगा दिस इज सम फ्रेम और वॉट, बट दिस इज नॉट अ फ्रेम, दिस इज अ डाइनिंग टेबल। सो आई विल शो यू कि डाइनिंग टेबल कैसे खुलता है। इजीली खुल गया है। यहाँ पे 5 लोग इस डाइनिंग टेबल पे आराम से बैठ सकते हैं, इजीली, कंफर्टेबली। एंड अब मैं आपको ये बंद करके भी दिखाती हूँ कि दिस बहुत इजीली क्लोज हो जाता है। एंड दिस सर्व्स द पर्पस ऑफ स्पेस सेविंग इन लिविंग। तो ये इजीली बंद भी हो जाता है, एंड बंद होने के बाद भी ये बहुत ही सुंदर दिखता है, बिल्कुल फ्रेम जैसा दिखता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो इनके घर पे उन्होंने रखा है, हम लोगों ने सजेस्ट किया था इनको। सो दिस इज़ अ सिटिंग, बट ये सिर्फ एक, मतलब वन, दिस इज नॉट ओनली फॉर 1 पर्सन, इस पर 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। सो मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि इस पर 5 लोग कैसे बैठे। सो दिस इज 1। बालकनी इन दिस लिविंग रूम, और यहाँ से जो व्यू है वो भी बहुत ही अच्छा है. दिस फ्लैट इज़ इन लोधा पलावा लेक शोर इन डोंबिवली. यू कैन सी कि ये जो 5 in 1 क्यूब है वो आप ऐसे टेरेस पे भी अच्छे से रख सकते हैं. यू कैन मतलब 5 लोग आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं और ये दिखने में बहुत अच्छा दिखता है. सो नेक्स्ट इज़ किचन. तो ये है उनके किचन और यहाँ पे हम लोगों ने आप देख सकते हैं एक्रेलिक के डोर्स यूज़ किए हैं. सो दिस इज़ एक्रेलिक मटेरियल. ओके दिस सॉफ्ट क्लोज हिंजेस. दीज आर सॉफ्ट क्लोज हिंजेस. तो यहाँ पे बोथ साइड में यहाँ पे स्टोरेज है. यहाँ इस साइड पे यू कैन सी यहाँ पे हाइड्रोलिक के ये स्टोरेज है. यहाँ पे हम लोगों ने अभी यूज ग्रे कलर, ग्रे एंड ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन लिया है तो इससे लुक भी उतना ही अच्छा आया है. इट इज सिंक विद द लिविंग रूम. यू कैन सी यहाँ पे एक्रेलिक के जो डोर्स है उसके साथ में हम यूज सॉफ्ट क्लोज हिंजेस. सो ये बंद भी ईजी होते हैं. Okay, and here again we have provided a lot of storage. This is the pull-in trolley. यहाँ बाकी का storage है. These are all trolleys. यहाँ पे सारे drawers हैं. इन्होंने किचन कितने अच्छी तरीके से रखी है. और यहाँ हम लोगों ने एक्वागार्ड के लिए भी यहाँ पे हम लोगों ने लाइक सेम आपने जो लास्ट व्लॉग में देखा था वैसे ही यहाँ पे ये हाइड किया हुआ है. सो वायर्स वगैरह ज़्यादा दिखती नहीं है. सो यू कैन सी किचन मिनिमलिस्टिक है विथ लॉट्स ऑफ स्टोरेज. सो दिस इज़ द पैसेज एरिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर भी लॉफ्ट है. एंड देन अगेन दिस इज़ अ स्मॉल स्टोरेज रूम जो बिल्डर ने ही पहले से प्रोवाइड किया था. सो ये डोर हमने ऐसे ही इंटैक्ट रखा है. उसके अंदर स्टोरेज रूम ही है बट दिस साइड जो है यहाँ पे हमने एक वार्डरोब टाइप क्रिएट किया है फॉर ऑल द ग्रॉसरीज. आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइडिंग वार्डरोब जैसा है. यहाँ पे देयर इज इनफ स्टोरेज है. Now let's go to the master bedroom. So this is the master bedroom of this flat. बहुत ही सिंपल है. जो यहाँ पे रहते हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस रूम को नीट एंड क्लीन और डेकोरेट किया है. This is the wardrobe which we have designed here. आप देख सकते हैं ये जो wardrobe है with grey and again brown. बट इसको अलग से हैंडल्स नहीं है. ये हैंडल्स हमने इसी प्लाइन में रेडी किए हैं. वैसी विथ आप जूम करके दिखा सकते हैं. ये ब्राउन लैमिनेट और ये जो प्लाई है उसी को यूज़ करके वी हैव मेड अ हैंडल आउट ऑफ इट. एंड दिस इज द वॉर्डरोब. यहाँ पे ड्रॉवर्स वगैरह सब कुछ है. देयर इज स्पेस फॉर हैंगिंग क्लोथ्स और उसके ऊपर भी वहाँ पे लॉफ्ट है. And there is a mirror on the outer side of this wardrobe. Okay. And there is a dressing table over here. Dressing table here. So, and again, ये जो cube है जो आपने बाहर देखा था वो यहाँ भी हम लोगों ने अंदर रखा हुआ है. And The plus point is it has wheels. तो ये easily movable भी है. तो आप इसे easily move कर सकते हैं किसी भी रूम में ले जाके. Okay? So guys, I hope आपको हमारा ये इंटीरियर का सेकेंड व्लॉग अच्छा लगा होगा. एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें लिख के ज़रूर बताइए कि आपको हमारे ये इंटीरियर के व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं. बिकॉज ऐसे ही हम लोग व्लॉग्स आगे भी कंटिन्यू करने का हम लोग प्लान कर रहे हैं. सो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड do share this video. Okay, ciao, bye bye.